हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। क्वेश्चन नंबर देखने वाले 3, इसमें लिखा हुआ है इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। ये जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है इसको मैं फाइंड करना है, जो कि ये दे रखा है। ये किस में है? ये एपी में है। अगर आपको एपी में दे रखा हो और मिसिंग टर्म फाइंड करना हो तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए, इसको फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि एपी का जनरल फॉर्म होता है, एपी का जनरल फॉर्म ए, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ए प्लस डी, उसके बाद होता है ए प्लस थ्री डी, ठीक है, कोमा चिन्ह सॉरी टू डी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला को फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ऐसे जाते जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ से सॉल्यूशन होता है हमारा स्टार्ट। ये फर्स्ट टर्म है, ए इक्वल टू दे रखा है टू। ए टू हमें निकालना है, ए टू क्या करना है, निकालना है। तो ए टू को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए टू को ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। और ए थ्री दे रखा है, ए थ्री है 26। अब ए थ्री 26 है तो ए थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं, ए थ्री को हम लिख सकते हैं, ए थ्री को ए थ्री इक्वल टू ए प्लस टू डी। देखिए हम लिख दिए जनरल टर्म इसका सबका, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। अब ए थ्री को ए प्लस टू डी लिखेंगे तो एक जगह पर कितना हो जाएगा, एक जगह पर ए थ्री की जगह पर हम 26 रख देंगे, एक जगह पर दो दिया हुआ है प्लस टू डी। अब बताइए दो, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में होगा 26 में से दो जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। और इधर टू डी है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बार में, 12 बार में, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया हमारा 12। अब जो टर्म पूछेगा वो टर्म हम निकाल सकते हैं। तो पूछा कौन था, पूछा था ए टू इक्वल टू ए प्लस डी। तो हमें ए टू ए का वैल्यू पता है 2 है, डी का वैल्यू पता चल गया 12 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 2 और 12 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14 यहाँ पर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? हम आपको ऐसा बताएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपको डाउट पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस हमारे वीडियो आप देखते जाइए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड वाला बनाते हैं। सेकेंड वाला बस जनरल फॉर्म ये है इसका एपी का, ये है जनरल फॉर्म एपी का। अब इसको निकालेंगे तो इसमें तो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यहाँ पर तो ए ही मिसिंग है, और फिर ये कौन सा है, तो 1 2 3 तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म भी निकालना है। ए थ्री इक्वल टू भी नहीं दिया हुआ है, ये सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 13 है, और ये फोर्थ टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म हमारा ए फोर इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए टू को अभी बताए थे हम आपको लिखने के लिए, तो ये है 13 इक्वल टू ए प्लस डी, ए टू है ना, तो ए प्लस डी, एक आपको यहाँ पर डी कम ही लेना है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका प्रूफ बता चुके हैं, देखिएगा आप उसको। इसके बाद ए फोर को, तो ए फोर के जगह पर 3 और ए फोर को लिख सकते हैं ए प्लस 3d, ये कम करके लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, और दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 13 इक्वल टू ए प्लस डी और ये है 3 इक्वल टू ए प्लस 3d, इसका चिन्ह बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो सब जगह प्लस है। ये बदलने के बाद अब इसका चिन्ह, ये 3 का चिन्ह अब इसके जगह पर प्लस नहीं, अब माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस इसका नहीं, अब इसका माइनस हो गया। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर d में से माइनस 3d जाएगा, d में से माइनस 3d जाएगा तो माइनस 2d बचेगा, ठीक है। और ये माइनस 2d है, इधर आएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 10/-2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, -5। ये माइनस इसी का है, ये -5 आ गया, तो ये हो गया d का वैल्यू। अब d का वैल्यू आ गया, अब जो टर्म पूछना है वो रख दीजिए। तो ए थ्री पूछ रहा था, ए वन तो हमारा कितना हो गया, अच्छा ए वन का वैल्यू भी नहीं निकला है,
तो डी का वैल्यू या वन में रखे या टू में, कोई भी इक्वेशन में रखे आ जाएगा आंसर ए का वैल्यू। तो अगर हम डी का वैल्यू इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर रख रहे हैं फर्स्ट में रखेंगे, इसमें अगर रखेंगे तो 13 इक्वल टू ए ऐसे रहेगा, डी का वैल्यू कितना है माइनस फाइव है, माइनस फाइव रख दिए। अब ये इधर माइनस में है, इधर आएगा इक्वल टू किधर, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू ए, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया 18। ठीक है, ए का भी वैल्यू पता चल गया और डी का वैल्यू तो पता ही है, अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। तो ए का वैल्यू आ गया 18, इसका तो आंसर हो गया 18। अब ये निकालना है तो A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए A3 को हम ए प्लस 2D, ठीक है, ए के जो ऊपर कितना है 18 है, डी के जो ऊपर कितना है माइनस 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 और 18 में से माइनस 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब और भी है, ये सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थ्री क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको इसमें आपकी दो बॉक्स खाली है, ठीक है, सेकेंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स खाली है, इसको आपको भरना है, तो वैसे हम बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और ये हो गया कौन सा टर्म, तो ये हो गया हमारा ए इक्वल टू फाइव हो गया, और ये हो गया हमारा ए फोर है, ये है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए फोर को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 3D लिख सकते हैं, ए कम करके लिखते हैं, इसको करेंगे तो 9 2 18 18 में हो जाएगा 19/2 इक्वल टू ए प्लस 3D। अब ए का वैल्यू दे रखा है, का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, तो ए का वैल्यू 5 इसमें रख देंगे, जब ए का वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/2 इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस 3D। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस ले लेंगे, कुछ नहीं तो एक तो छिपा हुआ, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 19 का 19 ही रहेगा, यहाँ पर 2 एक को 2 से डिवाइड कर 2 ही आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 10, और इधर है 3D। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2, और इसके साथ देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई में डी के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में ये हो गया और इक्वल टू डी, अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू आ गया हमारा, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 3/2। ठीक है, ये तो अभी डी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू दे रखा है, तो अब जिसका पूछेगा उसका रख देंगे। अब हमें यहाँ पूछा क्या है, ये पूछा है ए टू, तो ए टू को ए प्लस डी, ए कम करके डी लिखना है, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, आपको सीधा ऐड नहीं करना है, एलसीएम लेकर के ऐड करना है, 2 तो यहाँ 1 है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 13/3, इसमें कितना भरागा, इसमें भरा जाएगा 2 ही है तो 2। ठीक है, पहला आंसर आ गया, उसी प्रकार से A3 भी निकल जाएगा, तो A3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 को निकालने के लिए A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D, तो A का वैल्यू है 5 और D का वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 यानी कि 8, इसमें आ जाएगा कितना, इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, ये था 3 वाला, अब देखते हैं 4 को बनाने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, कौन कौन मिसिंग है, तो A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, सब मिसिंग है ये चारों, बाकी कुछ दे रखा है, तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। A बराबर दिया हुआ -4, ठीक है, और वो पांचवा टर्म दे रखा है, पांचवा है या छठा, छठा टर्म दिया हुआ, छठा टर्म 6 है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो A6 को हम लिख सकते हैं, A6 को ए प्लस 5D, ए कम करके लिखेंगे, तो A6 के वैल्यू 6 और A का वैल्यू -4, देखिए -4 रख दिए हैं, प्लस डी, ठीक है 5D, अभी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D हो जाएगा, और इसको ऐड करें 10, 5D, अब इसको काट देंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर 2, ठीक है, D बराबर 2 आ गया। अब जब D का वैल्यू 2 आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया 2, तो अब जो पता करना हो A2,
ए टू पता करना है तो ए टू आप जान ही रहे हैं, इसको ए प्लस डी लिख देंगे तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू माइनस फोर और डी का वैल्यू कितना है, दो है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस दो, यानी कि इसमें भरा जाएगा माइनस दो। ठीक है, अब ए थ्री निकालना लगातार है तो इसमें डी का वैल्यू ऐड करते जाए आपको मिलते जाएगा। तो इसमें हम डी का वैल्यू ऐड कर देंगे इस ए वाला में, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ये बात एक ही हो जाएगा, ए प्लस टू डी, ए का वैल्यू माइनस फोर, डी का वैल्यू टू। अब ये टू कहाँ से आ गया, तो ये टू यहाँ वाला है, ठीक है, और ये एक और टू जो है वो डी का वैल्यू है। अब कितना हो जाएगा, तो ये माइनस फोर और ये फोर, ये माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा जीरो। ए फोर कितना हो जाएगा, ए फोर हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ए का वैल्यू माइनस फोर और डी का वैल्यू दो, हो जाएगा माइनस फोर प्लस सिक्स यानी कि टू, इसमें हो जाएगा टू। अब इसमें डी का वैल्यू ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका, तो ए फाइव को लिख सकते हैं ए प्लस फोर डी, ठीक है, ए प्लस फोर डी, ए का वैल्यू माइनस फोर प्लस फोर और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है दो, तो कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस एट, घटेगा तो हो जाएगा फोर, तो हो जाएगा फोर। ठीक, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इतना लंबा न करके, ए का वैल्यू पता चल गया, ए टू का वैल्यू पता चल गया, ए टू का वैल्यू कितना है माइनस दो। अब अगला टर्म निकालने के लिए आपको डी ऐड कर दो, तो डी ऐड कर देते हैं, डी का वैल्यू कितना दो, तो आ जाएगा जीरो, फिर जीरो में दो ऐड कर देते हैं तो फिर से दो आ जाता है, ये इसका है और ये इसका है, और फिर इसमें दो, दो में फिर दो ऐड कर देते तो इसका आ जाता है। ठीक है, फिर ए में डी ऐड कर देंगे तो यानी फोर है ये, तो फोर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिक्स। आ रहा है समझ में, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये था हमारा लास्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें कौन कौन पता करना है, दिया हुआ कौन कौन है, तो दिया हुआ है ए टू, ए टू दिया हुआ, तो ए टू को हम ए प्लस डी लिखेंगे, ए टू का वैल्यू है 38, 38 हो गया ए प्लस डी, और ये दिया हुआ है तो कौन सा टर्म है, तो एक दो तीन चार पाँच छठा टर्म है। ठीक है, इसको मान लेंगे वन। ठीक है, अब छठा टर्म है तो ए सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए सिक्स को ए प्लस फाइव डी, ए सिक्स का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 22 है, ए प्लस फाइव डी, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग ये लिख लीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 22 इक्वल टू ए प्लस फाइव डी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तब ना ये कटेगा, ये कट रहा है तो इसको चिन्ह, ये देखिए माइनस है तो हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसको अब ये काट देंगे। यहाँ पर अब 22 का चिन्ह माइनस नहीं रहा, अब इसका हो गया प्लस क्योंकि बदल दिए हैं, ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, तो जीरो 10 का जीरो और 5 और 1 6 60 हो गया, फिर यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 40 होगा, डी में से माइनस 5 डी क्योंकि चिन्ह अब इसका ये रह गया माइनस, अब हो गया ये, तो अब इसको काट दीजिए, ये कट रहा है कितना बार में, तो 15 बार में कट रहा है तो माइनस है ना, तो माइनस 15 इसका आ जाएगा, डी का वैल्यू आ गया माइनस 15। ठीक, ध्यान रखिए कि अगर ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो इसका चिन्ह कुछ नहीं बदलेगा, माइनस है तो प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ माइनस प्लस वाला में बदलता है। अब ये डी का वैल्यू ये आ गया माइनस 15, अब इसमें से किसी में भी रख दीजिए, तो अगर डी का वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो देखिए यहाँ पर है 38 है, 38 इक्वल टू ए, डी का वैल्यू कितना है माइनस 15, माइनस 15 रख दिए, अब ये माइनस उठ के इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो गया, ऐड कर देंगे तो जगह 13 का 3 4 और 1 5 यानी ए का वैल्यू आ गया 53, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 53। ठीक है, अब इसमें निकालना है तो हम क्या अभी बताएं कि आप सिर्फ इसमें डी ऐड कर दीजिए, तो 38 में, 38 में डी का वैल्यू ऐड कर देंगे तो डी का वैल्यू कितना है माइनस 15 है, माइनस 15 ये ऐड नहीं होगा बल्कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, अब इसमें इसको पता करने के लिए इसमें क्या करते हैं, डी का वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो डी का वैल्यू माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ 23 में से 15 चला जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 8 बचेगा। ठीक है, अब इसमें इसमें ऐड कर दीजिए ये माइनस 15, माइनस 15 कहाँ से, डी का वैल्यू, नहीं तो आप वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8 में से
15 घटाना है तो माइनस में जाएगा, माइनस 7 बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको आपको पता करना है कि ये सही है कि नहीं, तो क्या कहते हैं, माइनस 7 में ऐड कर दीजिए डी का वैल्यू माइनस 15, तो माइनस 22 आ जाएगा, मतलब हमारा वो सही है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या निकालना था, A3 निकालना था, तो A3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर आपको A4 निकालना था, तो ये आपको इतना करने से बचना है, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बात वही है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।